जो इस तरह की घटनाएं हो रही है उसको रोकने के लिए हम लोग प्लान वर्कआउट प्लान बना सकते हैं। उसके अलावा जो हुआ है, घटना हुई है, उसको उद्भेदन करके और उसमें रिकवरी करके जो सम्मिलित है उसके अपराधियों की गिरफ्तारी कर दी। बुधवार को मधुबनी के SP सुशील कुमार बेनीपट्टी SDPO कार्यालय के वार्षिक निरीक्षण को पहुंचे। निरीक्षण के क्रम में पत्रकारों द्वारा बीते सोमवार को सहरघाट थाना के मुखियापट्टी गांव में हुई भीषण डकैती के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि इस घटना में लोकल तथा नेपाल के अपराधियों के संलिप्तता की बात सामने आई है। कुछ स्थानीय अपराधियों की पहचान हुई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों की एक टीम गठित कर लगातार छापेमारी की जा रही है। जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। सर, यहाँ का जो अनुमंडल का सीमावर्ती थाना है मधवापुर सहरघाट, वहाँ विगत 10 वर्षों के दौरान 4 बड़ी डकैती की घटना हुई है और अपराधी क्राइम करके नेपाल भाग जाते हैं। क्या नेपाल से समन्वय स्थापित कर नेपाल प्रशासन का सहयोग लेकर इन कांडों का उद्भेदन नहीं किया जा सकता है? कल भी बात की गई है, नेपाल के जो सीमावर्ती जिला है, सीमा खुला हुआ है। सर, सीमा खुला हुआ है, SSP भी हमारे यहाँ पे है, उसके अलावा हमारी टीम पेट्रोलिंग करती है, लेकिन चूंकि बहुत बड़ा एरिया है तो उसमें कुछ घटनाएँ हुई हैं। उसमें मेरे द्वारा कल भी बात की गई है नेपाल के अधिकारियों के साथ और उसमें उनसे हम लोगों ने अपेक्षित सहयोग मांगा है। हमने SSP की टीम को भी, खास करके जो उनके कमांडेंट हैं, उनको भी मीटिंग के लिए बुलाया है ताकि जो इस तरह की घटनाएं हो रही है उसको रोकने के लिए हम लोग प्लान वर्कआउट प्लान बना सकें। उसके अलावा जो हुआ है, घटना हुई है, उसको उद्भेदन करके और उसमें रिकवरी करके जो सम्मिलित है उसके अपराधियों की गिरफ्तारी कर दी। इसी तरह टीम भी गठन की गई है सर, इसके लिए बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। अब तक क्या प्रगति है सर कल की घटना में? पहचान हुआ है, उसमें जो लोकल लोग हैं सम्मिलित, उसकी पहचान की गई, उसकी छापेमारी चल रही है। इस दौरान SP कुमार ने महकमे से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर गहनता से जांच की, साथ ही विभिन्न मामलों व उससे जुड़े अभिलेखों का गहन अवलोकन करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आज जो है SDPO बेनीपट्टी के ऑफिस का वार्षिक निरीक्षण किया जाना है। यहाँ पे जितने भी कमियाँ होती है, संधारित होती है, सभी का हम लोग अवलोकन करेंगे और उसमें अगर कोई कमी पाई जाती है तो दिशा निर्देश दिया जाता है। इसके अलावा सभी बेनीपट्टी अनुमंडल के थाना अध्यक्ष भी है, उनके साथ भी हम लोग बैठ कर रिव्यू करेंगे, खास करके जो क्राइम का यहाँ पे हाल के घटनाओं में जो क्राइम हुई है उसके क्या प्रगति हुई है, क्या कार्रवाई की गई है और उसके अलावा आगे क्या करना है क्राइम रोकने के लिए, क्या करना है, इन सब चीज़ों पर हम लोग विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। आज का यही है हमारा।